इसी माघ मेले के अवसर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के बाद जो भी रविवार पड़ता है, बसंत का आगमन तीर्थपति में हो जाता है, तब हम यह प्रयास करते हैं कि सरस्वती के पुजारियों को अपने आदरणीय मंच से कुछ संबोधन दिलाएं। इस क्रम में हम पिछले 17 वर्षों से आज पुनः आपके सम्मुख हैं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, हमारे इस आयोजन के आदरणीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री रविंद्र सिंह जी हैं। इस आयोजन के अध्यक्ष प्रदेश के बहुत ही सफल और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी पुलिस अधीक्षक श्री जुगल किशोर तिवारी जी का स्नेह हमको मिलेगा। आप अध्यक्षीय पीठ पर विराजमान हैं। इस गंगा यमुना की धारा में आदरणीय राममूर्ति जी का आशीर्वाद त्रिवेणी के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। आप मंडी परिषद इलाहाबाद के उपनिदेशक प्रशासन हैं। बंधु, इस धराधाम पर चारों दिशाओं में चार वेद प्रतिष्ठापित हैं। चतुर्थ वेद में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राममूर्ति मिश्र जी, श्री मुनेश्वर मिश्र जी हमारे मंच पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। अभी आप सब ने संयुक्त रूप से माँ बिहारबाण के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके इस आयोजन को शुभारंभ करके इसे गति प्रदान की। जैसा कि आप जानते हैं, यह आयोजन पूरी तरह से कलमकारों के लिए समर्पित होता है। उन्हीं का हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कलमकारों की इस संस्था के माध्यम से यह किंचित जो प्रयास होते हैं उसके संबंध में आज चर्चा करते हैं। पंडित मुरलीधर मिश्र जी इलाहाबाद के वरिष्ठतम पत्रकारों में हैं। यह सौभाग्य है कि आप यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं। बहुत विनम्रता के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आकर हमें आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आदरणीय पंडित मुरलीधर मिश्र जी, ज्ञान धारा की यह श्रृंखला निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। आज से 17 वर्ष